हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जिस शेयर ने पिछले एक साल में काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट दिए, और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि नेक्स्ट डिक्सन टेक्नोलॉजी ये शेयर बन सकता है। क्यों बन सकता है, उससे रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस सब करेंगे। ओके, कुछ न्यूज़ आई है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, उसका इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी जानेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपको इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहूँ। सो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल एनालिसिस और रिटर्न से रिलेटेड करा देता हूँ। तो देखिए, वन डे का परफॉर्मेंस देख लीजिए। वन डे पॉजिटिव 5%, वन वीक का पॉजिटिव, वन मंथ का 3 मंथ्स और 6 मंथ में लगभग 111% के रिटर्न इसने दिए हैं। वन ईयर में 127 और टू ईयर में लगभग 163.43। इससे ज़्यादा इसका रिटर्न प्रोफाइल है नहीं, क्योंकि कंपनी को केवल 2 साल ही लिस्ट हुए हैं, तो इस वजह से 2 साल का यहाँ पर आपको दिख रहा है रिटर्न का पैटर्न। और यहाँ पर हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखें, प्रमोटर्स के पास लगभग 40% के शेयर्स है और प्रमोटर्स से काफ़ी शेयर्स अपने बेचे हैं, तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना होगा हमें। 3.75% की हिस्सेदारी कम करी है। फॉरेन इन्वेस्टर ने देखिए इसी महीने मतलब सितंबर मंथ में, इस क्वार्टर में 12.10% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, 13 थी 25 कर दी है। म्यूचुअल फंड ने लगभग 3% की हिस्सेदारी, 9.47 अभी। इंश्योरेंस कंपनी अदर DIS इसमें ना के बराबर है। ओके, और नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 24.87% की हिस्सेदारी है। तो जैसे कि हमने देख लिया कि कैसे रिटर्न्स कितने बेहतरीन हैं, फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें भर भर के हिस्सेदारी खरीदी है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो इसका बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट यहाँ पर देख लीजिए, रिजर्व्स देख लीजिए, रिजर्व्स कंटिन्यूसली इसके करोड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। पहले 230 थे, फिर 295 हुए, फिर 85.53, 943.71, 9 और अभी लगभग 1049 करोड़ के रिजर्व्स इस कंपनी के पास है। तो काफ़ी बेहतरीन रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ते हुए। और बोरिंग की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा बोरिंग नज़र आ रही है, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ती हुई, कभी घटती हुई नज़र आ रही है, घटते बढ़ते मैनर में। तो अभी 112.61 करोड़ रुपये के लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग तो बढ़ती ही जा रही है, लगभग 160.31। तो बोरिंग इस कंपनी के पास है। और बोरिंग के से रिलेटिव हम बातें कर लेते हैं तो बोरिंग इसलिए कंपनी जिस काम करती है, तो मोस्टली काम में होता क्या होता है कि कंपनी को पहले बोरिंग लेके सामान बनाती है, फिर आगे फॉरवर्ड करती है, फिर वहाँ से पैसा आता है। तो इस तरीके के रीज़न से शायद इस कंपनी के पास बोरिंग इंक्रीमेंट इस तरीके है। बट रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है और एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो कंपनी का कैश इक्विवेलेंट कम होते होते लगभग अभी लास्ट क्वार्टर से बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 91.67 करोड़ रुपीज़ का इसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है कंपनी के पास। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी अभी तक नज़र आई है। बैलेंस शीट नहीं अट्रैक्टिव नहीं है, बट हाँ कंपनी कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको। तो ये तो हो गई पूरा इसका, यहाँ पर थोड़ा बहुत बैलेंस शीट हो गई, इसकी रिटर्न्स हो गए। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गई और हम बात कर लेते हैं कंपनी की। अब कंपनी है क्या, तो कंपनी का नाम है अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड। तो आज यहाँ पर चलते चलते एक न्यूज़ आई थी, तो न्यूज़ आते आते कंपनी ने भागना शुरू कर दिया। तो न्यूज़ क्या आई थी उससे रिलेटेड ये बात करेंगे, बट इसका एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। वन डे का परफॉर्मेंस पॉजिटिव, 5 डे का, 1 मंथ का, 6 मंथ का, ईयर टिल डेट। तो कंपनी लगभग 1200 रुपये के आसपास, 1500 के, 1600 के आसपास चल रही थी, और पेंडेमिक आया तो 1000 रुपये के आसपास आ गई थी, और उसके बाद तो कंपनी भागे जा रही है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने दिए, और बड़े बड़े दिग्गज शेयर एनालिस्ट ने इसके अलग अलग यहाँ पर बता रखा है कि ये शेयर के टारगेट क्या होंगे। कंपनी काम क्या करती है तो देख लेते हैं। देखिए, कंपनी AC वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में, होम अप्लाइसिस में ये काम करती है कंपनी। ओके, तो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको सब दिखाई दे रहा है कि रूम एयर कंडीशनर, विंडो स्प्लिट AC, इन्वर्टर स्प्लिट कंडीशनर, इलेक्ट्रिक मोटर, कूपर। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार इसकी, आप जाके
इस साइट पे आके अंबर इंटरप्राइजेस, तो आपको सब कुछ यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो एक बार डीप स्टडी आप खुद भी कर लीजिएगा। तो ये मोस्टली एयर कंडीशन में काम करती है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बार इसके कस्टमर्स देख लेते, तो कस्टमर्स मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगे कि कस्टमर्स कौन कौन से हैं। देखिए कस्टमर ब्लू स्टार, LG, जितने भी बड़े बड़े महिंद्रा, डेक्कन, हिताची, मतलब ये सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, सब इसी से अपने AC मोस्टली बनवाती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके कस्टमर्स काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये इन्हीं कस्टमर्स के लिए आप सब देखिए, आप AC कौन सा यूज़ करते हैं? मोस्टली ब्लू स्टार यूज़ करते हैं, ओके, डेकन यूज़ करते हैं, LG यूज़ करते हैं। तो ये उन इस कंपनी इन कंपनी के लिए AC बनाती है, इन कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाती है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव इस कंपनी का सब कुछ ये मॉडल लग रहा है। तो आज के परफॉर्मेंस की बात कर ले तो कंपनी देखिए लगभग 33.60% की डिलीवरीज आज की डेट में ही उठाई गई है। 52 वीक लोग 9920 का था 13 अप्रैल को, और 19 अक्टूबर को, लगभग अभी ये अक्टूबर में 19 को 2544 रुपये का ये शेयर पहुंच गया था, जिसने अपना हाई बनाया था और हाई बना के फिर नीचे आया था। तो देखिए हाई तो बनाई गई, कंपनी काफ़ी अच्छा भी है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, और कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है। शेयर जो प्रमोटर्स का 40.27% की हिस्सेदारी है, उसमें से कोई भी इनका प्लेजिंग नहीं है, कोई भी इनका शेयर कर्ज में नहीं है। तो अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी से क्यों मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी का भी काम कुछ ऐसा ही है, ओके। वो AC में तो नहीं, हाँ, बट होम अप्लाइसिस, फोन, LED, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो भी बनाती हैं, ओके। तो इसी को रिलेटेड करते हुए मैंने बताया कि ये डिक्सन टेक्नोलॉजी आपका ये अंबर इंटरप्राइजेस डिक्सन टेक्नोलॉजी हो सकता है, क्योंकि ये भी आपको देखिए इसी चीज़ में काम करती है, ये AC में काम करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों की सिमिलरिटी है, बट प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनाती है। तो आज एक न्यूज़ आई थी, न्यूज़ के चलते दोनों ही शेयर, डिक्सन टेक्नोलॉजी भी एज वेल एज अंबर वाला हमारा ये शेयर था, अंबर इंटरप्राइजेज, ये भी दोनों बड़े हैं। तो ये न्यूज़ क्या थी, तो देखिए यहाँ पर कैबिनेट अप्रूव्स PLI स्कीम, मतलब मार्केट बंद होने से थोड़ी देर पहले लगभग 3 बजे के आसपास कैबिनेट अप्रूव्स PLI स्कीम फॉर 10 सेक्टर्स वर्थ ₹1.46 लाख करोड़, ऑटो सेक्टर गेट्स द बिगेस्ट शेयर। तो मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक PLI स्कीम है, PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ओके। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट ने 10 सेक्टर ऐसे चूज करे हैं कि जिनको लगभग 1.46 लाख करोड़ रुपीज़ का PLI स्कीम के थ्रू अप्रूव्स कर दिया है। तो इसमें हुआ क्या है कि जो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो शेयर्स है, ओके, बहुत सारे शेयर हैं, जैसे कि केबल्स से रिलेटेड है, अंबर इंटरवाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर है, ऑटो से रिलेटेड शेयर है, तो उसमें अलग अलग सेक्टर में अलग अलग, किसी में 10 हज़ार करोड़, किसी में 15 हज़ार, किसी में 20 हज़ार करोड़ रुपये, यहाँ पर गवर्नमेंट PLI स्कीम्स के थ्रू अप्रूव कर दिया है। तो इस वजह से इन शेयरों को काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसमें हम निर्यात कर पाएंगे, मतलब एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ओके। जो हम अभी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हमारी इंडिया, तो अगली दूसरी कंट्री में अब एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी, एज वेल एज जो फॉरेन MSCI के थ्रू जो हमारे फॉरन फंड भी आना है, तो वो भी फंड भारत में आएगा और ये शेयर काफ़ी तेज भागेंगे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ इन शेयर पे आप नज़र रखिए, ओके। ये शेयर आपको फ्यूचर में काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट कराते हुए नजर आएंगे। तो अंबर इंटरप्राइजेज शेयर का नाम है, इसकी खुद भी स्टडी कर लीजिएगा, एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछ लीजिएगा, और नॉलेज पर्पज से वीडियो मैंने आपको बना के दे दी है, एज वेल एज हमारी मेरा एफर्ट पर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो बेहतरीन आपके पास से मैं लाता रहूँ। और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया पे इसे फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।